अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद अलीज़े। आज आपके लिए बहुत मज़े के पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बग़ैर मेहनत वाला पुलाव है, यानी बग़ैर यखनी बनाए हम यखनी के टेस्ट वाला पुलाव घर पे बना सकते हैं। और तो चलिए रेसिपी को फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जितने चावल लेने हैं उसके हिसाब से आप ऑयल ले लें, थोड़ा कम भी ले सकते हैं क्योंकि बाद में हम थोड़ा सा ऑयल निकालेंगे। और उसमें मैंने डाल दिया है एक बड़ा प्याज और इसको हमने कर लेना है गोल्डन ब्राउन। और उसके बाद यहाँ पे दो टमाटर, पांच हरी मिर्चें, चार टेबलस्पून दही के, इनको हमने ब्लेंड कर लेना है। और अब प्याज हमारा जब हल्का गोल्डन हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया चिकन, और चिकन डालते ही मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। के बाद आपने दो मिनट जो है इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, और साथ ही आपने इसमें नमक डाल देना है। जितना आपने चावल लिए हैं उस हिसाब से डाल दें। और उसके बाद आपने एक टेबलस्पून ज़ीरा का डालना है। और अब इसकी आपने बहुत अच्छी तरह नमक और ज़ीरा डाल के भुनाई कर लेनी है। पाँच मिनट के लिए चिकन अपना वो कलर चेंज कर लेगा। फिर हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और धनिया पाउडर। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है पुलाव मसाला, और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना है आपने ताकि ये चिकन पे कोट हो जाए और मसाले में ये चिकन जो है फ्राई हो जाए। और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है पानी। अब यहाँ पे आपने पानी डाल देना है। यहाँ पे मैंने पाँच गिलास पानी लिया है क्योंकि मेरे तीन गिलास चावल हैं, एक गिलास हम वैसे पकाते हुए फालतू डालते हैं और एक गिलास जो है हमारा यखनी पकते हुए होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी यखनी तैयार हो गई है। अब चिकन को हम इसी में रहने देंगे और यखनी को हम अलग कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने दही मिर्चे और टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और इस पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस अपने, जिसमें मैंने डाला है एक टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे हम। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक टीस्पून हमने जो है हल्दी पाउडर डाला है, पुलाव मसाला मैंने डाला है एक टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप गरम मसाला और कुटी हुई मिर्चों की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें। और अब यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करूँगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था तो मैंने जो हमने यखनी बनाई है अब वो उसमें जो है हमारा ऑयल ऊपर आया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा साइड पे करके उसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने ऑयल पूरा डाला हुआ था इसमें। ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते तो आप पहले ऑयल कम डाल दें और बाद में आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। बस हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दिया, बाकी जब हम यखनी डालेंगे तो ऑयल आ ही जाएगा। तो बस ये थोड़ी देर हमने इसकी भुनाई करनी है अपने चिकन की। बहुत आसान पुलाव की रेसिपी है और बहुत मज़े का बनता है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। और उसके बाद हमने इसमें यखनी डाल दी है। अगर आपको लगे कि आपकी यखनी जो है पकाते हुए कम हो गई है तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें चावल डालेंगे और इसको अच्छी तरह पका लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दिया करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं वो दम वाले हो गए हैं। अब मैं इसको हल्का हल्का सा हिला के तो दम पे रख दूँगी। दम आपने 20 से 25 मिनट का लाजमी लगाना है। और यहाँ पे हमारे चावल हो गए हैं तैयार। और ये आप देख सकते हैं इतनी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनेगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।